महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन शिंदे सरकार ने विधानसभा के फ्लोर पर अपना बहुमत साबित कर दिया। 288 सदस्य वाले सदन में 164 विधायकों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थन में मतदान किया, जबकि विपक्ष में 99 वोट पड़े हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में पिछले लगभग दो हफ्तों से चल रहे सियासी संकट और बगावती एपिसोड का ये अध्याय अभी के लिए समाप्त हो गया है। इस बीच महाराष्ट्र विधान भवन में सोमवार को फ्लोर टेस्ट के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सदन में भाषण दिया। फडणवीस ने भाषण में अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक बार मैंने कहा था कि मैं लौट कर आऊंगा तो बहुत से लोगों ने मेरा मजाक बनाया था। सुनिए फडणवीस ने क्या कुछ कहा। जेव्हा महाविकास आघाडीचं सरकार आलं त्यावेळीच मी सांगत होतो की हे सरकार अनैसर्गिक आहे, हे सरकार टिकणार नाही। माझी खूप टिंगलटवाळी झाली। मी एक कविता म्हटली होती, मी पुन्हा येईन। त्याच्यावर माझी खूप टिंगलटवाळी अनेकांनी केली, पण मी आलो आणि यांनाही घेऊन आलो, एकटा नाही आलो, यांना सोबत घेऊन आलो। आज मैं वापस आया हूं और एकनाथ शिंदे को साथ लाया हूं। उन्होंने कहा कि मैं मजाक उड़ाने वाले लोगों से बदला नहीं लूंगा, क्योंकि राजनीति में हर चीज को दिल से नहीं लिया जाता। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार आई थी तभी मैंने कहा था कि यह सरकार अनैसर्गिक है, यह सरकार टिकेगी नहीं। मैंने एक कविता सुनाई थी, मैं फिर आऊंगा, जिसे लेकर मजाक भी बनाया गया। मैं आया और अकेला नहीं आया, दूसरों को भी अपने साथ लेकर आया। जिन्होंने मजाक किया और जिन्होंने अपमान किया उनसे मैंने बदला लिया। मेरा बदला यह है कि मैंने उन्हें माफ कर दिया। हर एक का मौका आता है। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक शायरी के जरिए महाराष्ट्र की नई सरकार के गठन के बारे में कहा। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। कोशिशें करने से जीत होती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। गौरतलब है कि 2019 में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नाटकीय ढंग से देवेंद्र फडणवीस 5 दिन के लिए राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बाद में एनसीपी के समर्थन वापस लेने के बाद उनकी सरकार गिर गई थी। सरकार बनने के 5 दिन बाद इस्तीफा देने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं एक दिन लौट कर आऊंगा, मैं उन लोगों से बदला नहीं लूंगा जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मैं उन्हें माफ कर दूंगा। राजनीति में हर बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता। फडणवीस ने कहा कि राजनीति में विरोधियों की आवाज सुनने के लिए सभी को तैयार रहना चाहिए। हमने देखा कि सोशल मीडिया पर बयान देने और पोस्ट करने के लिए लोगों को जेल में डाल दिया गया। हमें उचित तरीके से आलोचना का जवाब देना चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।